पर्सनल हमें मिलता तो साले को मैं गोली मार देता। मैं हाँ पर्सनल मेरा नाम है ना संग्राम सिंह, तो संग्राम ही सिंह कर देता उसको, उसको साले को छोड़ता नहीं। नहीं लगी हवा संसार की हो गए बारम्बार, बारह बाट बट गए यहाँ पर आने के बाद। सब माँ के उधर से ही पैदा हुए, उसी रास्ते से आते हैं, सब वहीं जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। वो जाति पूछ करके काम क्यों कर रहे हैं? अगर एक बच्चा मटके का हाथ लगा देता है उसकी हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति मूछों पर हाथ लगा देता है फोटो डाल देता है सोशल मीडिया में उसकी हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति घोड़ी खरीद लाता है उसकी घोड़ी को भी गुजरात में और उस व्यक्ति को भी गोली मार दी जाती है, एक व्यक्ति सफारी खरीद लाता है तो उसको केवल इसलिए मार दिया जाता है कि हमारे गाँव में कोई सफारी लेकर के नहीं आया और ये दलित का बच्चा सफारी लेकर कैसे आएगा, इसको मार दो। एक व्यक्ति अपनी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सीतापुर की घटना आपको अच्छे से याद होगी, सीतापुर में एक यदि कहती है कि मैं पंचायत चुनाव लड़ूंगी तो उस महिला को निर्वस्त्र कर कर उसके सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया जाता है और पंचायत अधिकारी वगैरह सब बैठे हुए मुंह देखते रहते हैं। साहब ने दिया है कि हम बहुत अपना है और इन मनुवादियों को मुंह पे तमाचा मारे, जो जो देवी देवताओं के जो लोग हमें डर दिखाते हैं हमारे समाज को, देवी देवताओं माने कुछ नहीं होता। और सर कौन दिखा रहा है यही वही 15% लोग जो डर दिखाते हैं कि मंदिर में वो रामचंद्र की मूर्ति राजा दशरथ के लड़के की मूर्ति रखकर और माल डकार जाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं, बौद्ध राष्ट्र बनेगा, बौद्ध धर्म बनेगा यहाँ पर, यहाँ आप लोग तो खुद संगठन बिल्कुल हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और सीरियल से क्यों बेल हम करीब 200 साल अपना रहे हैं और अपने बच्चों की शादी ब्याह भी बौद्ध धर्म से करते हैं। कोई मटके से हाथ लगा तो हत्या कर देते हैं। हाँ तभी तो उसी का फल हो रहा है कि जब आज हम बिछड़े हुए हैं ना, बटे हुए हैं, कोई खटिक समाज अलग है, कोई वाल्मीकि समाज और है, जाट समाज, सुनकर समाज अलग है, सारे समाज बटे हैं। कुदरत का नियम है ना, अलग अलग कुदरत का है कि ना, कुदरत सब एक ही, आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट, आए एक ही बाट से जाना एक ही घाट, नहीं लगी हवा संसार की हो गए बारम्बार, बारह बाट बट गए यहाँ पर आने के बाद। सब माँ के उधर से ही पैदा हुए, उसी रास्ते से आते हैं, सब वहीं जाते हैं। इस घटना पर क्या कहना रहा है? इस घटना पे उस अन्यायी को हमें तो हमें पर्सनल हमें मिलता तो साले को मैं गोली मार देता। मैं हाँ पर्सनल मेरा नाम है ना संग्राम सिंह, तो संग्राम ही सिंह कर देता उसको, उसको साले को छोड़ता नहीं। संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ हम संविधान के मानने से मांगने, हक के लिए लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, तो हम मरने वालों में से भी है। ये नहीं कि बस संविधानिक रास्ता नहीं है, संविधानिक रास्ता तो हम शांति शांति करते तो आ ही रहे हैं और हमें इसीलिए तो हमें पताड़ा जा रहा है। हक के लिए जब तक हम मरने के लिए तैयार नहीं होंगे तब हमें हक माने। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश में। क्या चल रहा है? अमृतकाल, अमृतकाल मोदी चला रहा है, मोदी अडानी अंबानी चला रहे हैं और समाज हमारा कितनी कंपनियां बेच दिया मोदी ने, एक पूरे वर्ल्ड में एक निवेश मंत्रालय बना दिया था, अटल बिहारी आए थे तो निवेश मंत्रालय बना दिया और अब आज निवेश मंत्रालय बनाकर सारी कंपनियों को बेच रहा है, सब अडानी अंबानी खरीद रहे हैं और देश वही चलाएंगे। राष्ट्रहित में नहीं, राष्ट्रहित में नहीं, देश को बेच रहे हैं, पब्लिक को बेच गुमराह करके बेच रहे हैं, बाकी राष्ट्रहित में चला रहे हैं। किस कौन से राष्ट्र कौन से पब्लिक की देश की खातिर कर कौन सा तो? देश को खातिर हो रहा है कौन सा? इसने नोटबंदी किया किसको फायदा हुआ बताइए, आप बताइए नोटबंदी किया किसको फायदा हुआ? अच्छे दिन आ गए अडानी के अंबानी के, उसके अच्छे दिन आ रहे हैं, पब्लिक पिस रही है हमारी, पब्लिक भूखे मर रही है और ये अपने मौज मार रहे हैं। नोटबंदी से कोई फायदा नोट क्या फायदा हुआ? नोटबंदी कौन सा काला धन ले आया मोदी ने? कोई काला धन आया बताइए? आतंकवादी, आतंकवादी रोज कश्मीर में मारे जा रहे हैं, रोज सैनिक मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं डेली, और उसको इन्होंने मीडिया वालों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, बोलोगे तो सीधे अंदर जाओगे। अब क्या करोगे आप लोग? आपको तो मूंछ रखने पे मारा जा रहा है। हाँ यही तभी तो, अच्छे कपड़े पहनने पर, घोड़ी चढ़ने पर। अरे बाबा साहब ने भी अच्छे कपड़े पहने थे, जब शिक्षित बनो पहले शिक्षित हो, शिक्षित हो गए जब ना तो अच्छे अच्छे नाटक रखेंगे तुम्हारे, और हमारी शिक्षा भी ये प्राइवेट कर रहे हैं, शिक्षा में जो तो हम शिक्षा लेने गया था 9 साल का बच्चा। हाँ शिक्षा लेने गया था ना, स्कूल में गया था ना, तभी तो उसके साथ अन्याय हुआ ना, तभी हम एकजुट हो रहे हैं और उसको देख लो फांसी तक ले जाएंगे, उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में इतने दलित हैं जितने आ जाएंगे यहाँ? दिल्ली में दलित हैं जिन्हें आह्वान किया गया वो आए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कम संख्या में तो आप लोग आए हैं भाई, बटे हुए ना इसलिए आए हैं, बटे हैं सब लोग, बटे हुए हैं, सबको गद्दी चाहिए, बटे हुए आप लोग,
कांवड़ यात्रा में आप ही लोग सबसे आगे रहते हैं। यही कांवड़ आते में सारे जाते हैं, लुटेरे जेब कतरे शराबी कबाबी सारे कांवड़ यात्रा में जाते हैं, और उन्होंने जेब कटना बंद हो जाता है उस पीरियड में, सारे शराबी कबाबी जाते हैं। और कोई कभी देखिए स्वर्ण जातियों के बच्चे कोई जाते हैं, इंजीनियर जो MBBS कोई जाता है, सब वही छोटे तबके के लोग जो दारू पीते हैं, भाम वो कहते हैं शंकर जी का वो है, उसको दारू पिलाओ, शंकर जी तो शंकर जी की बूटी है, गांजा पियो दारू पियो। और इनको जाते कांवड़ लेने, अरे सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्त, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बहुत सब के बहुत भगवान बुद्ध के अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, हम नहीं जाते उधर चुपके सब काम करते। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा, न बीड़ी पीते न सुरती खाते न तम्बाकू पीते न दारू पीते, क्या बात कर रहे हैं आप। दारू पीने से दिक्कत है? अरे दारू सबका नाश होता है, शरीर का नाश, मनी का नाश। मेरे हाँ मेरा लड़का BTech है और मेरी लड़की MBBS वो क्या नाम से BEd है, मेरा लड़का आर्किटेक्ट है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं। रास्ता क्या है? सब संगठित होकर बौद्ध धर्म अपनाइए और जात को जोड़ तोड़ दो, जात खत्म करो। बौद्ध धर्म तो खत्म हो रहा है भारत में। कहाँ खत्म हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? चंद लोग चंद हिंदू, अरे छोड़ो, देखो भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं। उत्पत्ति भारत जापान में देख लिए, लंका में देख लिए, कहाँ कितने बौद्धिस्ट हैं हमारे, देखो हमारे कितने लोगों का मर्डर कर दिया था अशोक सम्राट के बाद में, इन्होंने कितने लोगों का मर्डर किया। हाँ हाँ बताइए, आप उससे पूछो जो पूछना चाहते हो। बौद्ध धर्म में करना है देश, कैसे होगा? बौद्ध धर्म के लिए हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने यही पीड़ा उठाई है और यही मिशन, उन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से और 2024 के अंदर 10 करोड़ बौद्धिस्ट लोगों को, माने कि वो बौद्धिस्ट बना नहीं रहे हैं, वो बौद्धिस्ट थे लेकिन भटक गए हैं, उन्हीं को दोबारा से मंत्री साहब एक बाबा साहब की मूर्ति बचा नहीं पाए, तुकलकाबाद में 10 करोड़ बौद्ध धर्म में बनाए। आपको पता है कि हमने वहाँ पर दोबारा तुकलकाबाद के अंदर हमें जमीन दी गई और वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी, वो गुरु रविदास जी की मूर्ति थी। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 5 दिन पहले की बाबा साहब की मूर्ति हटाई, बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई थी, बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई गई है उस पर भी वो चल रहा है। जितने सारे जो हम पर, आप सुनिए मेरी बात, इतना जो घेरा जो हो रहा है ना, ये सब एक एक करके हम लोग एकजुट होकर इन सारी समस्या को हल करेंगे। पंजाब में 16 लाख दलित बच्चों की स्कॉलरशिप रोक ली, आपके मंत्री का बयान नहीं आया है, आम आदमी पार्टी में मंत्री जी बसते फिर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो मेरी नॉलेज में नहीं है, वो मेरी नॉलेज में नहीं है जो आप पूछ रहे हो, नॉलेज में ही नहीं है आपके, वो मेरी नॉलेज में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना उस माध्यम से करिए। नहीं नहीं नहीं, उनका अधिकार है करना, उनका अधिकार है करना, वो मंत्री जी के नहीं अनुयायी है, हम मंत्री जी के अनुयायी है। और सुनिए, आप तो जहाँ पे पहली बार आए, हमने मंत्री जी के साथ बहुत धरना प्रदर्शन किए हैं, और जो है मंत्री जी एक ऐसे शख्स है जो अपनी सीट को इस हाथ पे लेके इस हाथ पे बौद्ध धर्म को जो है आगे चलाते हैं। सर्वों की सरकार के अंदर भी मंत्री जी पूरा बोलते हैं, मंत्री जी का कई विभाग ले लिया केजरीवाल ने, पर मंत्री जी ने मंत्री पद नहीं छोड़ा। देखिए समाज कल्याण विभाग जो बाबा साहब की देन है, शोषण, देखिए हम शोषण तो हमारा जो मेन मुहिम है वो पार्टी पर का नहीं है, ये शोषण के लिए आए हम, जो हमें जो मनुवादी सुनिए, मंत्री जी को कुर्सी प्यारी नहीं है, यदि उनको कुर्सी प्यारी होती ना तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए होते, आज सब हम लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके, और हमारे इस जो हमारे भाई इंद्र कुमार जो है उसको हम श्रद्धांजलि अपने ड्राइंग रूम में दे रहे होते, लेकिन आज हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर ये जंतर मंतर पर यहाँ श्रद्धांजलि दी उसको, इंद्र कुमार को, और जो नलायक जो अध्यापक क्या कहूँ मैं उसको, वो तो एक बिल्कुल नलायक व्यक्ति था जिसने एक पानी पीने के ऊपर उस बच्चे की हत्या कर दी। आप ये दंश सोच करके देखिए, यदि वो बच्चा हमारे घर का बच्चा होता तो हमारे ऊपर कितनी पीड़ा होती। कहा जाता है टीचर अभिभावक होता है, अभिभावक होता है तभी तो उसने हत्या कर दी। सोचो कि हम अपने बच्चे को पूर्ण रूप से उसके, ये तमाम लोग हल्ला पीटते हैं कि अब रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया, अब कहाँ है ये लोग? ये खत्म तो हो गया भेदभाव, आपने देखा नहीं राजस्थान में कहाँ भेदभाव है? एक मटकी को हाथ लगाने पर हत्या, मूछों के तरेर देते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर हत्या, कहाँ है भेदभाव? यदि दलित कहीं गुजरात में गाड़ी ले आता है, रिजर्वेशन खत्म कर दो, आप क्यों नहीं आते हैं सड़कों पर? ऐसे लोग अपना हित चाहते हैं और अपने हित के लिए वो आप लोगों को
अभी यदि उनको लगेगा कि उनका एक रुपए का फायदा है और आपका 99 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो अपने 1 रुपए के फायदे के लिए आपका 99 रुपए का नुकसान हर दिन कोई ना कोई घटना आ जाके आज घोड़ी पे चढ़ ले पांच आज अच्छे खबर आपको नोएडा की घटना याद होगी। सोल्यूशन क्या है इसकी? सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमें एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, हमें एक माला में बंधना पड़ेगा। जब हम एक सूत्र में एक माला में बंध जाएंगे तब उसके बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे, आपने चौथी क्लास में तीसरी क्लास में लक्कड़ के गट्ठर की कहानी पढ़ी होगी और वो कहानी बहुत बड़ा सीख देती है, बहुत बड़ी सीख देती है। आप लकड़ी के गट्ठर को इकट्ठा नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब गट्ठर को खोल देते हैं तो एक एक लकड़ी करके बच्चा भी उस गट्ठर को तोड़ देता है। तो आज हमारे साथ यही हो रहा है। जब तक हम बिखराव भी एक बड़ा कारण मानते हैं, बहुत बड़ा कारण, बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण बिखराव ही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसमें से हमारा जो है संघर्ष हट गया है, संगठित हट गया है, केवल हम शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, वो भी बहुत कम। अच्छा, अभी ये जो इंद्र मेघवाल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी इतना जो है हल्ला हल्ला मच रहा है इंद्र मेघवाल पे। वही अभी जो है अध्यापक, वही राजस्थान की एक टीचर है, उसको जला दिया गया दलित समाज से ही है। देख यही बात तो मैं कह रहा हूँ, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई उस महिला को। आप ये सोचिए कि हम लोग किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कौन सा रास्ता हम अपनाते जा रहे हैं, हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, हम क्या मानव है, आदि मानव बनते जा रहे हैं हम लोग। अब आप, मेरे को तो नहीं पता कि आपकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या आप इस जातिवाद पर देख करके, आप मेरे से पूछ करके, मेरी जाति पूछ करके आप इंटरव्यू ले रही हैं मेरा? आप बताइए कि आपने मेरे से जाति पूछी? नहीं, मैंने आपसे कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं पूछी ना। तो इसी तरीके से आपकी मानसिकता वाले लोग वे क्यों नहीं हो सकते? जो मानसिकता से आप यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं सबका, वो मानसिकता उनकी क्यों नहीं हो सकती? वो जाति पूछ करके काम क्यों कर रहे हैं? अगर एक बच्चा मटके का हाथ लगा देता है उसकी हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति मूछों पर हाथ लगा देता है फोटो डाल देता है सोशल मीडिया में उसकी हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति घोड़ी खरीद लाता है उसकी घोड़ी को भी गुजरात में और उस व्यक्ति को भी गोली मार दी जाती है, एक व्यक्ति सफारी खरीद लाता है तो उसको केवल इसलिए मार दिया जाता है कि हमारे गाँव में कोई सफारी लेकर के नहीं आया और ये दलित का बच्चा सफारी लेकर कैसे आएगा, इसको मार दो। एक व्यक्ति अपनी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सीतापुर की घटना आपको अच्छे से याद होगी, सीतापुर में एक यदि कहती है कि मैं पंचायत चुनाव लड़ूंगी तो उस महिला को निर्वस्त्र कर उसके सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया जाता है और पंचायत अधिकारी वगैरह सब बैठे हुए मुंह देखते रहते हैं। हाथरस की घटना भी है, हाथरस की घटना, एक दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद में उस बच्ची को उसके परिवार को सौंपने की बजाय पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया, जबकि हमारे यहाँ रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। आप सॉल्यूशन क्या है? ये लगातार छोड़नी पड़ेगी, समाज जोड़ना पड़ेगा, एकमात्र सॉल्यूशन है। हम सब लोगों को भाईचारे के साथ इकट्ठा रहना पड़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ चल रही हैं इस समय, समाज को डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेजों की नीतियों पे चल रहे हैं। इनका जैसे अंग्रेजों का दमन सबने मिल करके किया था, इनका दमन भी हम सब मिल करके करेंगे और इनको ऐसे नेस्तनाबूद कर देंगे कि जब सब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब हम सब लोग ये अपनी जातियों से बाहर, जातियों का जो हमारा दंश है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद जब हम बाहर निकल करके आ जाएंगे, जब हम सामाजिक लोग हो जाएंगे, तब उसके बाद में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्योंकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करने वाला 1000 बार सोचेगा। आज वो निरंकुश है, उसके पास कोई वो डर नहीं है, आज बिना डर के वो घूम रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, जब तक डर रहेगा तब ये घटना रुकेंगी, समाज का डर रहेगा तो घटनाएं रुकेंगी, नहीं समाज का डर रहेगा तो ये घटना नहीं रुकेंगी। चलिए ठीक है, आपने देखा किस तरीके से लगातार जो घटनाएं घटी जा रही है, जो लगातार जातिवादी का कीड़ा जो है जाता नहीं है, जाति है मगर जाति नहीं है, लगातार जाति के चलते कभी एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, तो जाति के चलते कभी महिला को रेप करके जला दिया जाता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं, और जाति के चलते अभी इंद्र मेघवाल का मामला ख़त्म भी नहीं हुआ था, ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके तुरंत बाद ही राजस्थान की एक टीचर के साथ जो
होता है वो पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। सोचिए इस तरीके की घटनाएं लगातार उनको अंजाम दिया जा रहा है। लोगों में किसी भी तरीके का भय नहीं है, डर नहीं है। जो गुरु था, जो शिक्षक था, उसने भी उस बच्चे पे रहम नहीं खाया, सिर्फ पानी पीने पर उसको पीट पीट कर मार दिया। सोचिए किस तरीके से ये सब चीज़ें रुकेंगी। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में ये बहुजन समाज किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। लगातार जो जाती है जा नहीं रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।